नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है MD ट्यूटर पब्लिकेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। खुशखबरी लेकर आया हूँ कि भाई हरियाणा के अंदर बहुत जल्द ग्रुप डी की नई भर्ती आने वाली है। साथ ही साथ जो ग्रुप डी के वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं ना, जिन्होंने 18,218 पदों के लिए परीक्षा दी थी और वेटिंग लिस्ट में उनके लिए उनका नाम आया था, उनका रोल नंबर आया था, उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी। मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो बनाकर भी आपको बताया था कि भाई विद इन 15 डेज आपकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी, तो अब वो दिन जो है घटकर 13 दिन हो गए। तो 13 दिन के अंदर आपकी जो वेटिंग यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ। और जब वेटिंग क्लियर होगी, मैं एक वीडियो बनाकर आपको वो चीज़ भी बता दूंगा। तो नई वैकेंसी वाले जो इंतज़ार करे थे, उनका इंतज़ार भी अब शीघ्र अति शीघ्र खत्म होने वाला है। बहुत जल्द हरियाणा के अंदर ग्रुप डी की न्यू भर्ती आने वाली है और वेटिंग वाले युवाओं का भी जो है 13 से 14 दिन के अंदर इंतज़ार खत्म होने जा रहा है। पूरी खबर क्या, डिटेल से आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। जो भाई चैनल पर नए हैं, रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं HSSC अपकमिंग वैकेंसीज को लेकर, अपकमिंग एग्जाम को लेकर, एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर मैं आपको कोर्ट केस से संबंधित अपडेट भी देता रहता हूँ। सरकार ने मांगी विभागों से ग्रुप डी के खाली पदों की रिपोर्ट। 27 दिसंबर तक 24 विभागों को देनी होगी रिपोर्ट, वरना अफसरों के खिलाफ कार्रवाई। दोस्तों कई बार जो है चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार लेटर जारी करके ये चीज़ें मांग चुका, लेकिन डिपार्टमेंट हल्के में लेते हैं, तो इस बार जो है कार्रवाई के आदेश दे दिए। और 27 दिसंबर डेडलाइन है, तो 27 दिसंबर तक सारा डाटा आ जाएगा और उसके 10 से 12 दिन के अंदर आपकी ग्रुप डी की वेटिंग क्लियर हो जाएगी। उसके बाद नई भर्ती का जो है दोस्तों यहाँ पर रास्ता खुल जाएगा। तो दोस्तों चीफ सेक्रेटरी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर लेटर यहाँ पर जारी कर दिया है। हरियाणा में ग्रुप डी के 18,218 पदों पर नियुक्ति के बावजूद विभागों ने में कितने पद रिक्त पड़े हैं, इसकी जानकारी सरकार ने 24 विभागों के मुखिया से तलब की है। विभाग के अफसरों को 12 बिंदुओं की ये जानकारी एक परफॉर्मा में भरकर मुख्य सचिव कार्यालय को भेजनी है। सरकार इन रिक्त पदों पर फिर से नियुक्ति की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार ने प्रदेश में ग्रुप डी के 18,218 पदों पर नियुक्तियां की थी। इन पदों पर नियुक्तियां लंबे अरसे से अटकी हुई थी। इन पदों के लिए लाखों की संख्या में उच्च शिक्षित युवाओं ने आवेदन किया था, जिसके चलते इन पदों पर काफ़ी संख्या में उच्च शिक्षित युवा भी नियुक्त हुए, जिन्हें विपक्ष ने सरकार को घेरने का मुद्दा बनाया। विपक्ष ने भी सरकार को ये कहते हुए घेरा कि प्रदेश के उच्च शिक्षित युवाओं को सरकार ने ग्रुप डी की नौकरी दी है। खैर, सरकार ने इसी मायने युवाओं को री एलोकेशन का भी मौका दिया, ताकि विभिन्न पदों पर ये कर्मचारी स्वेच्छा से विभिन्न विभागों में इसी पद पर अपनी नई नियुक्ति ले सकें। इतना ही नहीं, बहुत से उच्च शिक्षित युवाओं तो ऐसे भी हैं जिन्होंने इस पद के लिए प्रवेश परीक्षा के साथ साथ विभिन्न राज्यों व केंद्र के विभिन्न विभागों के रिक्त पदों के लिए भी प्रवेश परीक्षा दी थी। अब ये उच्च शिक्षित युवा यहाँ हरियाणा में ग्रुप डी की नौकरी भी पा गए और उन्होंने अपनी अन्य प्रवेश परीक्षा भी क्लियर कर गई, जिसके चलते ऐसे युवाओं ने हरियाणा की ग्रुप डी के अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और कई युवाओं ने ग्रुप डी के इन पदों पर अपनी ज्वाइनिंग ही नहीं दी। अब सरकार ये जानना चाहती है कि विभागों में ग्रुप डी के ऐसे कितने पद रिक्त हैं, इसलिए इसकी जानकारी 27 दिसंबर तक एक रिपोर्ट परफॉर्मा में भरकर मांगी गई है, जिससे ग्रुप डी की वेटिंग का रास्ता साफ हो और नई भर्ती का रास्ता साफ हो सके। रिपोर्ट समय पर न मिलने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। मुख्य सचिव कार्यालय को यह रिपोर्ट पशुपालन विभाग, अभिलेखागार विभाग, चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, DG पुलिस, एक्साइज एंड टैक्सेशन, फूड एंड ड्रग्स, फूड एंड सप्लाई, वन विभाग, हेल्थ सर्विस विभाग, हायर एजुकेशन, हॉस्पिटलिटी ऑर्गेनाइजेशन, वन्य जीव प्रणाली विभाग, जेल विभाग, PWD B&R, सहकारी विभाग, राजस्व विभाग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग, स्किल डेवलपमेंट, स्टेट विजिलेंस ब्यूरो, तकनीकी शिक्षा पर्यटन विभाग, लोकल बॉडी ट्रांसपोर्ट विभाग व अर्बन ईस्टेट विभागों को सौंपनी है। तो दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी आज अर्ली मॉर्निंग आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी वेटिंग वाले युवाओं को भी और नई भर्ती वाले युवाओं के लिए भी। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग योर ओन यूट्यूब चैनल MD ट्यूटर पब्लिकेशन। सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।